गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो न्यूयॉर्क में अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हरे रंग की क्यों है, मतलब व्हाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज ग्रीन। तो हम लोग देखेंगे इसकी केमिस्ट्री। वैसे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, हम लोगों को पता है कि फ्रांस जो है, फ्रांस सबसे पहले फ्रांस ने अमेरिका को ये दिया था 1885 में, यानी कितना हो गया 135 ईयर्स। तो 135 ईयर्स है। हमारा क्वेश्चन ये है कि वो ग्रीन कलर की क्यों है, का मतलब क्या वो पहले भी ग्रीन कलर की थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? तो नहीं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस कलर की है, किस चीज की बनी हुई है? कॉपर की। और आपका कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। आपको याद होगा जिसमें मैं पानी पीता हूँ, या देख, खैर नहीं देखे होंगे तो बोतल तो देखे होंगे कॉपर वाला। तो कॉपर वाला बोतल जो है वो कैसा होता है? वो होता है रेडिश ब्राउन। और वो रेडिश ब्राउन 30 ईयर्स न्यूयॉर्क के पॉल्यूशन वाले सिटी में रह के धीरे धीरे रिएक्शन कर करके पहले बना डल ब्राउन, और फिर धीरे धीरे लास्ट में कुछ ब्लैकिश कलर भी उस पे आए, और फाइनली वो ब्लू ग्रीन या ऑलिव ग्रीन हो गया। कैसे हुआ हमें इससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा जानना कि फ्रांस ने दिया था, कि कब दिया था 1885 में, या वो उसका वजन 2 लाख किलो से भी ज्यादा है। तो ये सब नहीं, हम लोगों को मेन जानना है केमिस्ट्री। तो हुआ क्या सबसे पहले कि वो जो कॉपर का, कॉपर की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, तो कॉपर किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर। ये रेडिश ब्राउन कलर धीरे धीरे वहां जो ऑक्सीजन था, मॉइस्ट ऑक्सीजन, उस मॉइस्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और ये बन गया Cu2O। यहां क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहां क्या है? +1, यानी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, यानी कॉपर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करके ये बन गया, और इसका कलर क्या होता है? पिंक या रेड भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे बन गया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ये जो था हमारा Cu2O, ये Cu2O फिर से ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि वहां वॉल्केनोज भी उस समय थे, और उस वॉल्केनो से बहुत ज्यादा सल्फर निकल रहा था, या वहां पॉल्यूशन भी, वैसे भी पॉल्यूशन में सल्फर होते हैं, सल्फर आपको पता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 बनाते हैं, और वो SO3 सल्फर ऑक्सीजन से SO3 बनाता है, और वो SO3 वाटर से रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है, और H2SO4 क्या है? एसिड। तो कभी कभी एसिड रेन भी होता है वहां, क्योंकि SO3 है और वाटर से रिएक्शन करेगा, लेकिन वो बहुत डाइल्यूट होता है, उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री पे तो प्रभाव पड़ेगा। तो होता क्या है कि ये जो है फिर से रिएक्शन करता है उसी मॉइस्ट साल्टी एयर के साथ और एसिड के साथ, और ये क्या बना देता है? ये बनाता है CuO, यानी यहां फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, और यहां क्या है? +2, यानी फिर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये जो CuO होता है ये ब्लैक कलर का होता है। ये क्या होता है? ब्लैक कलर। धीरे धीरे उस पर ब्लैकिश कलर आने लगा, और इसका एक नाम भी है, सोचिए, टेनोराइट। इसको क्या बोलते हैं? टेनोराइट। तो कॉपर था, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, थोड़ा थोड़ा वो पिंक कलर का हो गया, पहले क्या था? रेडिश ब्राउन, तो धीरे धीरे पिंक कलर का हो गया Cu2O, फिर या रेड, और ये फिर से ऑक्सीडाइज किया और धीरे धीरे थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आ गया। ब्लैकिश कलर का एक और रीजन था, जो वहां कॉपर था, अभी हमने बताया सल्फर, सल्फर रिच। वैसे भी आपको पता है कि सिल्वर भी अगर सल्फर से रिएक्शन कर ले तो ब्लैक कलर का हो जाता है, Ag2S बना के। तो जिस घर में अंडे ज्यादा खाए जाते हैं, अंडे में सल्फर होता है, सल्फर रिच होता है, वो भी सिल्वर से रिएक्शन करके वहां चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं। हो सकता है वहां भी वॉल्केनो से भी और भी सल्फर हो। तो ये बन गया CuS, और ये भी कैसा कलर हुआ? ये भी ब्लैक कलर का ही था, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर आ गया। फिर आगे क्या हुआ? कई साल तक
इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो हमारे पास अभी क्या है, पहले था कॉपर और वो कॉपर क्या बन गया, CU2O और फिर बन गया CuO। ये CuO जो है, ये जो CuO है, ये फिर फर्दर रिएक्शन किया कई साल में और वहां जो CO2 और वाटर था, इस CO2 और वाटर के साथ ये बनाया CO2 CO3 बेसिक। तो इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं। और इसी को ये कब बना, जब वहां H2SO4 थोड़ा सा था और साल्टी एयर था, उसके प्रेजेंस में ये बन गया। और ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन। इसको केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स आते भी हैं आपके नीट या आईआईटी में, इसको बोलते हैं ग्रीन मैलेकाइट। हिंदी वाले बच्चे शायद हम लोग पढ़ते थे हरा कसीस, ऐसे बोलते थे। खैर, तो ये ग्रीन मैलेकाइट, तो एक तो रिएक्शन उसमें ये होता है। और अगर एक और रिएक्शन होता है, अगर CO2 का और इसका रेशियो अलग अलग है, तो अगर CO2 का और इसका रेशियो अलग अलग है, तो इस कंडीशन में एक और कंपाउंड बनता है और वो बनता है CO3 होल ट्वाइस और OH2। देख लीजिए, तो एक ये कंपाउंड बनता है, एक तो बन गया आपका CO2 CO3 OH होल ट्वाइस, और एक कंपाउंड क्या बन रहा है, CO3 CO3 होल ट्वाइस OH2। और ये भी ब्लू कलर का होता है, इसको बोलते हैं azurite। ये कैसा होता है, ब्लू कलर का, तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लूइश भी है। और एक और रिएक्शन इसमें होता है, वो है आपका SO3 के साथ, जो वहां SO3 था एटमॉस्फियर में, अभी हमने बताया सल्फर से रिएक्शन करके वो बना लिया था SO3। तो जो SO3 था वो जब रिएक्शन किया, क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। लेकिन ये सब के सब बेसिक। अब मैं अभी इसका IUPAC में भी मैं नहीं बोलूंगा, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, उसमें ये सब पढ़ेंगे। तो ये जो है ग्रीन कलर का होता है, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का, और इसका नाम क्या होता है, ब्रोंकेटाइट। तो इसका नाम होता है ब्रोंकेटाइट। इन तीनों की कोटिंग उसके ऊपर है, उसके ऊपर क्या है आपका, ये ग्रीन मैलेकाइट, ये ग्रीन कलर का, एजुराइट ब्लू कलर का, और ब्रोंकेटाइट ये भी ग्रीन कलर का। तो तीनों की कोटिंग है। तो अमेरिकी सरकार सोची कि क्यों ना इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करा के अब पेंटिंग वगैरह कर दिया जाए। फिर साइंटिस्ट बोले कि नहीं, ये अब जंग नहीं लगेगा इस पे, रस्ट अब नहीं लगेगा, इसीलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वैसे ही छोड़ दिया गया। और वो जो पहले रेडिश ब्राउन था, आज ग्रीन कलर की। इसको आप चाहें तो अपने घर पे भी कर सकते हैं इस रिएक्शन को। आप एक क्वाइन ले लीजिए, कॉपर ब्रास ब्रॉन्ज कोई भी, और उसको क्या करिए, एक सॉल्यूशन बनाइए जिसमें विनेगर समझते हैं आप, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट, नमक जो होता है, तो थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड मिलाइए और आधा उसका लेके क्वाइन आधा 5-10 मिनट तक डिप करिए। धीरे धीरे देखिएगा उसके कलर में चेंजिंग आएगी। और यही रिएक्शन फिर बाद में रख दीजिए, ऐसे ही आधे घंटे तक उसको करने के बाद या 5-10 मिनट, फिर उसको रख दीजिए, बाद में दोबारा करिए, और धीरे धीरे आप देखिए वो बिल्कुल कलर उसका चेंज हो जाएगा और बाद में वो ऐसे ही कलर का, ग्रीन कलर का ही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।